हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो सीटेट के लाइव मैथ्स क्लास के अंतर्गत मैथ्स पेडागोजी पार्ट आप पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने सिलेबस की पहले ही क्लास में चर्चा कर दिया था कि जो 30 प्रश्न पूछे जाने हैं उसमें 15 प्रश्न मैथ्स पेडागोजिकल इशूज के प्रश्न होते हैं और 15 प्रश्न आपके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के प्रश्न रखे जाते हैं। तो उस ढंग में जो 15 प्रश्न आपके मैथ्स पेडागोजी, अच्छा ये 15 प्लस हो सकता है ना, जो पिछला सेट था उसको यदि आप ध्यान दें, तो यहाँ पर ये जो सी टेट के लिए क्लास मेरा अभी रन कर रहा है, इसमें मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि जो सिलेबस है उसमें 7 मुख्य टॉपिक हैं, जिसका पहला टॉपिक था नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की प्रकृति। गणित की प्रकृति पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था कुछ प्रश्न आपके मन में उठ सकते हैं, जैसे पहला प्रश्न, अच्छा यही से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन क्रम की तो चर्चा मैं करता रहूंगा। पहला प्रश्न हमारे सामने ये उठता है कि गणित क्या है ना, व्हाट इज मैथमेटिक्स, मैंने इसकी चर्चा पिछले क्लास में की। दूसरा प्रश्न उठता है कि गणित की प्रकृति क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, इसकी भी चर्चा मैंने पिछले क्लास में कर लिया था। यहां पर नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये उठता है कि गणित शिक्षण का महत्व क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, गणित जो शिक्षण है उसका महत्व क्या है, मतलब विद्यालयी पाठ्यक्रम में गणित क्यों पढ़ाया जाता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, और फिर गणित कैसे पढ़ाया जाए, ये थोड़ा सा देखा जाए लॉन्ग हेडिंग है। इसमें मैं गणित के शिक्षण विधियों की बात करूंगा, क्योंकि गणित कैसे पढ़ाया जाए जब इस उद्देश्य को अध्यापक पूरे करता है तो वह कुछ विधियों से होकर जाता है, वह जिस विधियों से होकर जाता है वही गणित शिक्षण की विधियां होती हैं। तो इसमें शिक्षण विधियों की बात करेंगे, जिसमें 8 मुख्य हेडिंग होंगे। उसके बाद गणित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, तो इन क्रम की हम चर्चा करें। आपने ये शुरुआत के 2 प्रश्न इसके पहले वाले वीडियो में देखा था, चलिए मैं तीसरे प्रश्न से शुरुआत करता हूं कि गणित शिक्षण का महत्व क्या है। तो आपको बता दें एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार छात्र एवं छात्राओं के सोच का गणितीकरण करना ही विद्यालयी पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य मतलब महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार छात्र एवं छात्राओं की सोच का गणितीकरण, छात्र एवं छात्राओं की सोच का गणितीकरण करना ही विद्यालयी पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। सोच का गणितीकरण मतलब क्या है, यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। मैथमेटाइजेशन ऑफ थिंकिंग, ये क्या है, सोच का गणितीकरण क्या है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको याद होगा मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे मैंने एक प्रश्न किया बालक से कि 5 पेन का मूल्य 50 रुपये है, कितने रुपये है, 5 पेन का मूल्य 50 रुपये है, तो 10 पेन का मूल्य क्या होगा। अच्छा थोड़ा ध्यान देना, जैसे मैंने बालक से ये प्रश्न किया तो बालक ने स्पष्ट देखा कि 5, देखिए अलग अलग बालकों के सोचने का नजरिया अलग हो सकता है लेकिन निष्कर्ष वही निकालेंगे। कुछ बालक यह सोच सकते हैं चूंकि 5 पेन का कीमत 50 रुपये है तो 1 पेन का कीमत होगा 10 रुपये, जब 1 पेन का कीमत 10 रुपये है तो 10 पेन का कीमत कितना है, 100 रुपये। और कुछ बालक ऐसा भी सोच सकते हैं कि इधर पेन की संख्या डबल हो गई तो इधर कीमत भी पहले का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पेन डबल हो गया, 5 पेन उधर था, यहाँ 10 पेन है, डबल है, तो कीमत भी पहले का दोगुना हो गया। देखिए बालक के सोचने का नजरिया अलग था लेकिन निष्कर्ष रिजल्ट वही मिला। तो सेंस ये है बालक जो चीज़ें सोचते हैं वो अमूर्त रूप में होता है, क्योंकि बालक जो सोच रहे होते हैं वो छिपे रूप, अमूर्त का मतलब जिसे देखा नहीं जा सके, वह अमूर्त रूप में होता है। लेकिन जब बालक अपनी सोच को
यहाँ पे जनरलाइज कर देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं, तो वही होता है सोच का गणितीकरण, मैथमेटाइजेशन ऑफ थिंकिंग। जैसे बालक ने देखिए, अलग अलग बालक ने अलग अलग ढंग से सोचा, लेकिन निष्कर्ष वही निकला। तो जो बालक मन में सोच रहे होते हैं उसी को रिप्रेजेंट कर दें, व्यक्त कर दें, यथार्थ मिला दें, वही होता है सोच का गणितीकरण। मतलब यहाँ से एक पॉइंट और बन गया, यहाँ से दूसरा पॉइंट ये बना कि अमूर्त विचारों को, अमूर्त विचारों या अवधारणाओं को मूर्त रूप में बदलना ही, मूर्त रूप में बदलना ही सोच का गणितीकरण कहलाता है। इसका मतलब यह है कि जो बालक सोच रहे होते हैं, बालक जो चीजें सोच रहे होते हैं वो अमूर्त रूप में होता है, अमूर्त विचार होती है, छिपी विचार होती है या अमूर्त अवधारणा होती है, लेकिन जब बालक उसे मूर्त रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे 10 पेन का कीमत बालक ने 100 रुपए निकाल दिया, तो अब ये मूर्त रूप में हो गया। तो यही अमूर्त धारणा को, अमूर्त जो कॉन्सेप्ट है उसी को मूर्त रूप में कन्वर्ट कर देना ही क्या कहलाता है, सोच का गणितीकरण होता है। आगे देखिए, गणित शिक्षण का जो महत्व है वो क्या है। गणित शिक्षण का अन्य जो महत्व है या अन्य उद्देश्य जो है, महत्व का सेंस मेरा उद्देश्य से है, गणित शिक्षण का अन्य उद्देश्य ध्यान देना, छात्रों में तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति और अन्वेषण शक्ति और सामान्यीकरण की प्रक्रिया से परिचित कराना है। देखिए, जो गणित शिक्षण का अन्य महत्व है, अन्य उद्देश्य है वो क्या है, उसका अन्य उद्देश्य बालकों में तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, अन्वेषण खोज करने की शक्ति और सामान्यीकरण जैसी प्रक्रियाओं से परिचित कराना है। सामान्यीकरण क्या होता है, जैसे कोई प्रश्न दिया जाए, जैसे मान लिया मैंने कोई गणित का एग्जाम्पल रखा, तो एग्जाम्पल रखा तो अभी तो नियम मिला नहीं, सूत्र मिला नहीं, लेकिन जब उस एग्जाम्पल को हल करते हैं और तर्कपूर्ण ढंग से जब विचार विमर्श करते हैं, तो विचार विमर्श करने के बाद हमें एक सूत्र मिलता है, एक नियम मिलता है, उसी को हम कहते हैं सामान्यीकरण की प्रक्रिया। ये अच्छे से समझ सकेंगे जब मैं इस प्रश्न को अभी पढ़ाऊंगा, पहला ही हेडिंग इसमें उठाऊंगा जिसमें 8 मुख्य हेडिंग होंगे, गणित कैसे पढ़ा जाए, इसके लिए अध्यापक शिक्षण विधियों से होकर जाएगा। जो 8 मुख्य विधियां हैं उसमें पहली विधि में ही मैं सामान्यीकरण की प्रक्रिया से परिचय आपको कराऊंगा ये क्या होता है। तो ये गणित शिक्षण के अन्य उद्देश्य में यहाँ पर शामिल है। तो इस तरीके से गणित शिक्षण का जो महत्व है, उपयोगिता है, वो क्या है, यहाँ से आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए, जिसकी मैं मुख्य रूप से नेक्स्ट में बात करने जा रहा हूँ, गणित कैसे पढ़ाया जाए। अभी ध्यान देना, मैंने पिछला क्लास समाप्त करते करते आपको बताया था कि जब हम बालक हो रहे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, तो हमारे सामने प्रश्न उठता है कि गणित के प्रश्नों को कैसे हल करें। लेकिन अब जब हम अध्यापक होते हैं और हमारा पहला क्लास होता है, तो हमारे सामने प्रश्न उठता है कि गणित कैसे पढ़ाया जाए। तो गणित कैसे पढ़ाया जाए, जब इस उद्देश्य को अध्यापक पूरे करता है, तो वह कुछ विधियों से होकर जाता है जिसे हम गणित की शिक्षण विधियां कहते हैं। गणित की शिक्षण विधियां कहते हैं। तो जब अध्यापक अपने इस उद्देश्य को पूरा करता है कि गणित कैसे पढ़ाएं, तो कुछ विधि का सहारा लेता है। जिस विधि का वो हेल्प लेता है, मदद लेता है, वही गणित की शिक्षण विधियां कहलाती हैं, जिसमें 8 मुख्य हैं। जिसमें पहला है इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि, दूसरा होता है डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि,
आगे तीसरा होता है लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि। खैर गणित शिक्षण में इसका बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है, लेकिन विज्ञान शिक्षण की भांति गणित शिक्षण को भी अधिक रुचिकर बनाने के लिए अध्यापक इस विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट में यदि बात करें विश्लेषण विधि, एनालिटिक मेथड बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, विश्लेषण विधि जिसे हम कहते हैं एनालिटिक मेथड, और सिंथेटिक मेथड, संश्लेषण विधि, सिंथेटिक मेथड, संश्लेषण विधि। और नेक्स्ट में बात करें लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, इसका भी गणित शिक्षण में संपूर्ण रूप से प्रयोग संभव नहीं है, फिर भी इसकी अपनी महत्वपूर्ण उपयोगिता है। नेक्स्ट की बात करें ह्यूरिस्टिक मेथड, अनुसंधान विधि, ये भी बहुत महत्वपूर्ण में से एक है। वैसे आपको बताते हैं कि शिक्षण की विधियां गणित शिक्षण में मुख्य रूप से तो 8 प्रयोग में हम यहाँ पे लाते हैं, लेकिन जो गणित शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि है उसमें 3 मुख्य विधि है। मनोवैज्ञानिक में आगमन विधि, विश्लेषण विधि और अनुसंधान विधि, ये 3 ऐसी विधियां हैं जो गणित शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधियां हैं। मनोवैज्ञानिक विधि वह विधि होता है जिसमें क्यों और कैसे का जवाब मिल जाता है। मतलब जैसे मान लिया मैंने कोई गणित का सवाल हल कराया, तो ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, जब इसका जवाब मिल जाए, मतलब ऐसा विधि जो जिसके द्वारा प्राप्त ज्ञान प्रत्यक्ष तथ्य पर आधारित होता है, हम उसे गणित शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि कहते हैं। तो ये गणित शिक्षण की 3 ऐसी विधि हैं जो मनोवैज्ञानिक विधि है। प्रश्न यहाँ से ज़्यादा उठता है, तो चलिए मैं सबसे पहले हेडिंग से यहाँ पर चर्चा करने जा रहा हूँ, आगमन विधि। अभी इसे साइड में इरेज कर रहे हैं। आगमन विधि की पूरी हम चर्चा यहाँ से करेंगे। पहला, गणित शिक्षण की आगमन विधि। इंडक्टिव मेथड। तो आपको बताना चाहेंगे कि आगमन विधि क्या होता है। लेडल ने परिभाषित किया कि शिक्षण के इस विधि में अध्यापक बालकों के समक्ष एक ही प्रकार के कई उदाहरणों को प्रस्तुत करता है। इस विधि में अध्यापक बालकों के समक्ष एक ही प्रकार के कई उदाहरण को प्रस्तुत करता है और उसका हल ज्ञात करने के बाद, सोल्यूशन ज्ञात करने के बाद, तर्कपूर्ण ढंग से विचार विमर्श करते हुए एक सामान्य नियम की ओर पहुंचते हैं। यही गणित शिक्षण की आगमन विधि होता है। मतलब इस विधि में अध्यापक पहले एक ही प्रकार के कई एग्जाम्पल बालकों के समक्ष रखेगा, कई उदाहरण रखेगा, और उसको सॉल्व कराएगा, हल ज्ञात कराएगा। और जब सॉल्व मिल जाएगा, हल ज्ञात हो जाएगा, तो अध्यापक और बालक दोनों मिलकर तर्कपूर्ण ढंग से विचार विमर्श करके एक सूत्र का प्रतिपादन करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, और इस प्रकार जब सूत्र प्राप्त होता है तो यह गणित शिक्षण की आगमन विधि होती है। मतलब उदाहरण से चलते हुए नियम तक पहुंचा जाता है। तो अच्छा, भी ध्यान देना, जैसे आगमन विधि की प्रक्रिया थोड़ी समझिएगा। जैसे बालक, छोटा बालक जलने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के पास जाकर यह अनुभव करता है, यह महसूस करता है, यह अवधारणा बनाता है कि जलने वाली वस्तुएं उष्मा प्रदान करती हैं, जलन पैदा करती हैं, गर्मी पैदा करती हैं। जैसे वह अलाव के पास गया बालक, तो उसने देखा कि ये जलने वाली जो वस्तु है ये गर्मी उत्पन्न कर रही है, विद्युत बल्ब, इसी प्रकार विद्युत हीटर। जब अनेक प्रकार की जलने वाली वस्तु के पास बालक जाता है तो यह स्वयं ही अवधारणा बना लेता है, कोई उसे बताता नहीं है, बालक स्वयं ही यह अवधारणा बना लिया कि जो जलने वाली वस्तु होती है वो गर्मी उत्पन्न करती है। इसी प्रकार ये जो आगमन विधि है कुछ उसी तर्ज पर आधारित है। मतलब अध्यापक ऐसे उदाहरणों को प्रस्तुत करे और ऐसी भूमिका बनाए, सक्रिय भूमिका बनाए, कि बालक तर्क करते करते स्वयं ही निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करे। यही गणित शिक्षण की आगमन विधि होती है। तो अच्छा, आपको बताना चाहेंगे आगमन विधि के कार्य विधि, जिसे आप कहते हैं प्रोसीजर। तो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इंडक्टिव मेथड, इसके जो प्रोसीजर है वो क्या है। तो मैं अच्छा भी थोड़ा थ्योरी लिख दे रहा हूँ, और थ्योरी बेहतर तब समझ में आएगा जब मैं साइड में एग्जांपल
हल कराऊंगा, इसलिए मैं थोड़ा साइड में इस पार्ट को लिख रहा हूँ साइड, और इस तरफ मैं एक गणितीय एग्जाम्पल आपको प्रस्तुत करूंगा जिससे आप इस पार्ट को, जो थ्योरी अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, आसानी से समझ सकेंगे। तो आपको बता दें कि इन दिस टाइप ऑफ टीचिंग मेथड वी प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर आर स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स टू जनरल रूल, मतलब शिक्षण के इस विधि में हम विशेष उदाहरण से सामान्य नियम की ओर अग्रसर होते हैं, विशेष उदाहरण से सामान्य नियम की ओर, या फिर यहां से विशेष सेलेक्ट कर लीजिए, यहां सामान्य, अभी इसका रीजन मैं दे रहा हूं, जितनी चीजें मैं लिखूंगा सबको स्पष्ट कराऊंगा और वो भी गणितीय एग्जांपल के माध्यम से, विशेष से सामान्य की ओर, या फिर आप कह सकते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होते हैं। इन सभी को मैं अभी समझा रहा हूं, मतलब इन दिस टाइप ऑफ टीचिंग मेथड वी प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर आर स्पेसिफिक एग्जांपल्स टू जनरल रूल, या फिर स्पेसिफिक टू जनरल, या फिर ये कह सकते हैं कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे मैंने गणित का कोई एग्जाम्पल रखा, कोई उदाहरण रखा, तो क्या उदाहरण रखते ही यह नियम मिल जाएगा? नहीं। जैसे मान लिया कोई गणित का मैं आपको सवाल दे दूं, एग्जाम्पल दे दूं, क्या एग्जाम्पल लगते ही यह नियम मिलेगा? नहीं। तो आपको बताना चाहेंगे उदाहरण से नियम तक पहुंचने के लिए अध्यापक कुछ स्टेप से होकर जाता होगा, कुछ चरणों में होकर जाता होगा, कुछ पदों से होकर जाता होगा। आपको बताना चाहेंगे उदाहरण से नियम की ओर या उदाहरण से नियम तक पहुंचने के लिए कुल चार मुख्य स्टेप होते हैं, जिसमें नियम आपको तीसरे स्टेप में ही मिल जाएगा, लेकिन आगमन विधि की प्रक्रिया पूरी होगी इन चार स्टेप से। कौन से चार स्टेप हैं? मैं एक हेडिंग बता देता हूं, आगमन विधि के सोपान, सोपान को स्टेप बोलते हैं, स्टेप्स इन इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि के सोपान। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कुल चार मुख्य चरण होते हैं, कुल चार मुख्य स्टेप होते हैं। सबसे पहले में होता है विशेष उदाहरणों का प्रस्तुतीकरण, विशेष उदाहरणों का प्रस्तुतीकरण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्टिकुलर आर स्पेसिफिक एग्जांपल्स। अच्छा इसके बाद जैसे ही विशेष उदाहरणों को प्रस्तुत किया जाएगा, तो इसके बाद दूसरा स्टेप होगा निरीक्षण करना, टू ऑब्जर्व या ऑब्जर्वेशन, और तीसरा जो स्टेप होगा वो जनरलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, जिसे आप कहते हैं सामान्यीकरण या फिर सूत्रीकरण। मतलब आप देख रहे हैं ये सूत्र हमें किस स्टेप में मिल जाता है? तीसरे स्टेप में, मतलब उदाहरण से नियम तक पहुंचने के लिए तो तीन ही स्टेप, लेकिन इस पूरी आगमन विधि के जो क्रिया सोपान है वो चार स्टेप में जाकर समाप्त होंगे, जिसका चौथा चरण होगा परीक्षण या सत्यापन, टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन। और आपको ये बताना चाहेंगे कि जो शुरुआत के तीन स्टेप हैं, इसमें अध्यापक और बालक दोनों सक्रिय होते हैं, टीचर और स्टूडेंट दोनों सक्रिय होते हैं, लेकिन चौथे स्टेप में केवल बालक सक्रिय होते हैं, स्टूडेंट। मैं इसका रीजन अभी दे रहा हूं एक गणितीय एग्जांपल के माध्यम से। देखिए ये तो थ्योरी मैंने केवल नोट डाउन किया है, इस थ्योरी को बेहतर समझने के लिए मैं एक गणितीय एग्जांपल देके नेक्स्ट क्लास में पूरा कराऊंगा, चूंकि यहां पर टाइमर सेट होता है। तो आपको बता दें जब एक गणितीय एग्जांपल लेके इस थ्योरी को मैं समझाऊंगा तो ये सारी चीज बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी और फिर थ्योरी आपके दिमाग से नहीं उतरेगा। और उस पर प्रश्न कैसे अप्लाई किया जाता है, आगमन विधि से कैसे प्रश्न अप्लाई होते हैं, इसके गुण क्या है, इसके दोष क्या है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स इन इंडक्टिव मेथड, तो इन सबकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।